जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन जिनको रिकॉर्ड दुरुस्त करने में मुश्किलात पेश आ रही थी और कई लोगों ने इंतज़ामिया के सामने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, हम अपना डेटा कलेक्ट करके अपनी डिटेल्स आपको देना चाह रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ताखिर इस वजह से हो रही है, कुछ तकनीकी बुनियादों पर ख़राबियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। तो अगर किसी का कोई रिकॉर्ड कहीं पर ख़राब था, कोई मुश्किल थी, कोई परेशानी थी, तो मैक्सिमम लोगों ने रिक्वेस्ट की और सरकार ने उसको माना। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए कितला भी है और सरकारी मुलाजमीन के लिए ये हुक्म भी है, नोटिफिकेशन कह लीजिए या फिर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी बात भी है। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने सरकार से कहा था कि हम अपने रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने JKHRMS पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल जो सरकार ने बना रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स, इस पोर्टल पर मैक्सिमम लोग अपनी तफसीलात जमा करते हैं और जो सरकारी मुलाजमीन इस पर तफसीलात जमा नहीं करेंगे मुश्किलात उनको आएंगी। तो सर्विस रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों का गलत चल रहा था, कहीं कोई करेक्शन करनी थी, वो मुसीबत बन रहा था ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस में। आफ्टर दैट गवर्नमेंट डिसाइड, जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ों को एग्जामिन करें, स्क्रूटनाइज करें, जाँच पड़ताल करें कि जो मैक्सिमम लोगों ने, जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी कॉपीज दी हैं, जो अपने उनकी क्या कहते हैं इसको, जो ना अपना सर्विस रिकॉर्ड है उसमें अगर कहीं को कोई करेक्ट करना है, सर्विस डिटेल्स को ठीक करना है, तो पोर्टल के जरिए वो कैसे ठीक करें। इस सिलसिले में डायरेक्टर फाइनेंस से FACO चेयरमैन बनाए गए हैं, नोडल ऑफिसर भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने नॉमिनेट किया है, ये मेंबर इस कमेटी के हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं वो कमेटी की जानिब से चुना जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। कमेटी को काम क्या दिया गया है, सरकारी मुलाजमीन की जो रिक्वेस्ट आई हैं उन चीज़ों को देखा जाए, जो उनके ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, सही और दुरुस्त दस्तावेजात हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, और पहला पेज, फर्स्ट पेज ऑफ द सर्विस बुक, इसको देखा जाए, इसको फौरी तौर पर ये HOD जो कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का मुलाजिम है उस डिपार्टमेंट के HOD को वो हेड करेंगे। क्या, एक तो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक। इसके अलावा हर रिक्वेस्ट जिसमें एडिटिंग डिटेल्स होंगी, JKHRMS पर पहले ही कैप्चर की जा चुकी हैं, सेव की जा चुकी हैं, कहा गया कि अगर किसी तरीके से कोई जांच पड़ताल करनी है तो फौरी तौर पर केस अगर जेन्युइन है तो समझकर रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, कवायद जवाबित को मद्देनजर रखते हुए तब्दीली का उसमें सोचा जाए, सोच विचार किया जाए, कमेटी ये देखेगी। डायरेक्टर फाइनेंस, FACO और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनको कहा गया कि वो नोडल ऑफिसर के तौर पर रहेंगे, जो करेक्शंस JKHRMS पर करनी है, सरकारी मुलाजमीन का कहीं रिकॉर्ड गलत हुआ है तो वो बताएंगे, बाज़ाब्ता तौर पर जो रिकमेंडेशंस कमेटी की होंगी उस बेस पर कंसर्न डिपार्टमेंट का सरबरा इसको ठीक करेगा अगर किसी मुलाजिम का रिकॉर्ड गलत हुआ है। और ये करना किसने है, कंसर्न डिपार्टमेंट कर सकेगा, डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, लेकिन कमेटी के कहने पर। इसके अलावा अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का होना चाहिए, तब जाकर रिकॉर्ड ये मिलेगा। साथ ये कहा गया कि कोई ऑल्टरेशन, कोई चेंज एम्प्लॉय के डेटा में काबिले कबूल नहीं है, ना की जाएगी, ना डायरेक्टरेट करेगा, सबऑर्डिनेट, फील्ड ऑफिस, किसी को ये अलाउड नहीं है कि किसी मुलाजिम को अपना रिकॉर्ड तब्दील करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन मुलाजमीन को कहीं नाम में गलती हुई है, कहीं गलत डिटेल्स अगर गलती से चली गई हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑर्डर, संजीव वर्मा IAS हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सरकार की, उनकी तरफ से जारी हुआ है। तो तमाम डायरेक्टर जनरल पुलिस, फाइनेंशियल कमिश्नर्स, डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डिपार्टमेंट, सारे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, हर किसी को, डिविजनल कमिश्नर, सबको ये डिटेल्स चली गई हैं। तो जिन एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका डेटा JKHRMS, जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल पर गलत चला गया है, करेक्ट करने का एक मौका दिया गया है, कमेटी चीज़ें ठीक करेंगी, लेकिन आपके पास वक्त है कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, सर्विस बुक से पहले पेज से लेकर आखिरी पेज और बाकी डॉक्यूमेंट्स तक फौरी तौर चीज़ें दुरुस्त करें, बसूरत दिगर कल जाकर मुश्किलात मुलाजमीन को पेश आ सकती हैं। तो ये मुकम्मल तफसीलात थी एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनके लिए सरकार की जानिब से एम्प्लॉयज़ की जो के लिए जो कमेटी बनाई गई है सर्विस डिटेल्स ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, और कमेटी की सिफारिशात पर काम होगा। तो अपना अपना रिकॉर्ड दर्ज कराइएगा, कहीं अगर गलती महसूस होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, यूनियन टेरिटरी में हैं।